नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। किसान आंदोलन के 75वें दिन रीवा में एक अद्भुत घटना घटी। जी हां, अद्भुत घटना इसलिए, शिक्षा की देवी सावित्री बाई फूले संविधान निर्माता भीमराव आंबेडकर के चारों तरफ घूमकर एक जोड़े ने सात फेरे लिए, सात जीने रहने की वादे किए, कस्में खाई। मैं बात कर रहा हूँ करहिया मंडी की। करहिया मंडी में लगातार किसानों के समर्थन में पिछले 75 दिन से आंदोलन जारी। 75वां दिन उनके लिए यादगार रहा। यादगार कई मायने में कहा जा सकता है, रीवा के इतिहास में, या यूं कहें देश के इतिहास में पहली बार किसानों का इतना लंबे समय से आंदोलन चल रहा। दिल्ली के आसपास ये आंकड़ा 100 पार कर चुका है। पिछले दिनों किसान नेता राकेश टिकैत भी इसी जगह पर आए थे। उन्होंने एक भारी भरकम सभा को संबोधित भी किया था। उसकी बात मैं बाद में करूँगा, या उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो थी कि दूल्हा दुल्हन ने तय किया था कि हम किसान आंदोलन जहां पर चल रहा, लोग धरने पर बैठे, हम वहीं पर शादी करेंगे। शादी तो उनने की ही, साथ ही उनको जो भी गिफ्ट मिली वो उन्होंने धरना स्थल पर ही रहने वाले लोगों को डोनेट कर दी। उनका कहना था इस गिफ्ट को बेचकर, इस गिफ्ट से वो अपने धरने आंदोलन प्रदर्शन को लगातार आगे भी जारी रखते हैं। लगातार मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर वो दृश्य भी दिखा पा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दिखा भी पा रहा हूँ, और मैं आपको ये भी दिखाने जा रहा हूँ दूल्हा दुल्हन और दूल्हे के पिता ने इस दौरान हमको क्या कुछ बताया। जी हाँ, कितनी मज़ेदार बात आप ये कह सकते हैं, आम दिनों की तरह, जैसे कि शादियाँ मंडपों में होती हैं, लेकिन ये शादी अद्भुत इसलिए ये शादी हो रही है आंदोलन स्थल पर शादी। देश की सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने जो तीनों कृषि बिल लाए, उसी को विरोध को लेकर लगातार धरना आंदोलन जारी है। किसान चाहता है इन बिलों को वापस ले लिया जाए। उसके समझ में नहीं आ रहा कि जिस दौरान अनन फनन में इन बिलों को पास कराया गया था, उस दौरान ऐसी कौन सी किसानों को लेकर विपत्ति आ रही थी। सीधे एक बार मैं आपको फिर से धरने स्थल पर ले चल सकता हूं और आपको दिखाता हूं लड़के के पिता, लड़कों ने, लड़की ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से वहां पर जो भी नजारा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। मंदिर बताने के लिए है कि हम शादी और सरगोल भी नहीं जा रहे हैं, शादी पंडाल भी कर रहे हैं, और शादी को आप जैसे आप सारे लोग देख रहे हैं, शादी भी आंदोलन हम कहें उसको सशर्त वापस ले और MSP का कानून बनाए, ना कि मुझे लिखित ऑफर चाहिए, लिखित कानून दे संविधान से पारित हुआ, संसद से कानून MSP आइए और तीनों कालो कानून वापस ले सरकार। यही किसान की मांग है। नहीं, धरना अनवरत चलता रहेगा और किसान अपने घर के सभी संस्कार यही से करते रहेंगे, और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे ये धरना अनवरत चलता रहेगा और ये संघर्ष चलता रहेगा, संयुक्त किसान मोर्चा का संघर्ष चलता रहेगा।